जय जगन्नाथ एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हैवी वाटर बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया। इसके लिए आपको सिंपली उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो आपके सामने ऐसे को सिंपली पेज आ जाएगा। इसमें आप थ्री डॉट में क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करोगे। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करोगे आपके सामने और एक ऐसा पेज आ जाएगा। जैसे आप नीचे थोड़े आओगे तो रिक्रूटमेंट रिजल्ट जो शो कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो वो जो रिक्रूटमेंट रिजल्ट लिखा है वो रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे आप रिक्रूटमेंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा नीचे आने पर आपको 27/9/2021 पर एक अपडेट आया हुआ है हैवी वाटर बोर्ड का, जो 1/2020 का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 से। तो उसके बाद उसके जो नेम ऑफ द पोस्ट रिजल्ट सब डिक्लेयर हो गया है, इलेक्ट्रिकल का, टर्नर का, ऐसे कि आपका ज़्यादा ट्रेड का, कारपेंटर का, लैब असिस्टेंट का, नर्स का, ऐसे का सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। लेकिन अभी तक फिटर वालों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक PDF ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके सामने ऐसे एक PDF निकल के आ जाएगा। तो वो जो PDF आएगा वो क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैवी वाटर बोर्ड के जो रिजल्ट आया है, जो रिटन टेस्ट 25/7/2021 का हुआ था और स्किल टेस्ट 6/9/21 का हुआ था। लगभग वैकेंसी उनका 4 था, यूआर में 2, ओबीसी में 1 और ST में 1। ऐसे जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो सिलेक्टेड लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जो सिलेक्टेड लिस्ट में 2 पोस्ट था जो यूआर के, वो दोनों तो मेरिट के हिसाब से 2 सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद उनका जो वेटिंग लिस्ट दिया गया है, यह बड़ी बात, जो 3 लड़का को वेटिंग में रखे हैं। ओबीसी का जो 1 पोस्ट था उसमें 1 लड़का को तो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन किया है और 2 को मतलब वेटिंग में रखा है। ऐसे नीचे ST का 1 पोस्ट था, एक मेरिट कर और एक उसका वेटिंग लिस्ट में रखा है। तो ये था एक बड़ी अपडेट की जो रिजल्ट आया था, जैसे कि वो अभी तक आ गया है लेकिन अभी फिटर वालों का अभी तक नहीं आया है। तो उसे जो नोट में दिया है, द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी एंड अदर रिलेटेड टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, अटेंडेंस एंड द कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ETC। तो ये था बड़ा न्यूज़ कि आप कैसे आपको इसको डाउनलोड करोगे। और भी बाकी वालों का भी आया है, जो इलेक्ट्रिकल है, कारपेंटर है, टर्नर है, वो थोड़ा सा ऐसे ही रिजल्ट में जाके क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी तक फिटर वालों का लगभग नहीं आया है। ये भी 25/7 का रिजल्ट हुआ था, मतलब एग्ज़ाम हुआ था, और फिटर वालों का भी 25 को एग्ज़ाम हुआ था। मेरे हिसाब से लगभग आज और कल तक उसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो आप थोड़ा इसको फॉलो करके मेरा चैनल को, वो अपना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से विजिट कर लेना है। और विजिट करके जब आएगा वो कंटिन्यू चेक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये था एक बड़ी खुशखबरी की कि इतना बाद लगभग 1 महीना हो गया, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है। तो जिनका भी रिजल्ट होने वाला था या जिसको भी लग रहा है कि रिजल्ट होगा, वो कृपया अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए ये एक छोटा सा नंबर था। आज के लिए इतना है। टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ।